हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो चिकन बिरयानी की रेसिपी हम लेकर आए हैं ना, यकीन मानो फटाफट से झटपट ही वो बनने वाली। जब अचानक से कोई मेहमान आ जाए या आप किसी को दावत पे बुलाते हो या आपका कुछ अलग फटाफट से बिरयानी बनाने का मन है और उतनी ही टेस्टी होना चाहिए, कम से कम टाइम में बनने वाली है चिकन बिरयानी की रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ 350 ग्राम चिकन लिया है, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ में ही 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेगा, बस सबको अच्छे से मिलाना है। उसके बाद चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेना आप, जैसे कि यहाँ देख रहे हो वीडियो में। यहाँ हमने इसको एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है और उसके बाद पैन में ऑयल गर्म करना है। सेम पैन में, बचे हुए ऑयल में भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ अलग पैन में ऑयल गर्म किया है। 1 तेज़पत्ता लिया है, साथ में 4-5 लौंग लिए हैं और 10 से 12 काले मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जायफल और साथ में ही यहाँ लेना है 1 बड़ा प्याज जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। और इसको बस फटाफट से हमें ना, जब तक कि गोल्डन ब्राउन होना शुरू नहीं होता तब तक हमें इसको यूँ चलाते हुए हाई फ्लेम पे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। इसका भी फटाफट हम कच्चापन कुछ सेकेंड्स में ख़त्म हो जाएगा, चलाते रहना है। और साथ में 1 बड़ा टमाटर हमने स्लाइस कट कर लिया था, इसे भी हमने डाल दिया है। और जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। साथ में ही हमने यहाँ 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब बस इसको हमने हाई फ्लेम पर फटाफट से टमाटर सॉफ्ट होने तक कुक करना है। और नमक ज़रूर डालिएगा साथ में, इससे यह होता है टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। सच में बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हमें यहाँ पे डालने हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि बिरयानी मसाला पाउडर लिया है हमने यहाँ 1 टीस्पून सौंफ धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर लिया गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। हमें हरी मिर्च का भी यूज़ करना है तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही लेना है। अब यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, मसाला भुन जाने के बाद यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया है। और बस इसको चलाते रहना है। और टमाटर एकदम अच्छे से गल गया है और ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था, ये फ्राइड चिकन भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले के साथ में इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट से बनने वाली है बिरयानी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेगा। और मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, साथ में प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ 2 टेबल स्पून भर के दही ऐड कर दिया है। दही ये नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा खट्टा है और ना ही मीठा। उसके बाद लो फ्लेम पे दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 गिलास पानी ऐड करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे, जब तक चिकन अच्छे से पूरी तरह से पक नहीं जाता। और यहाँ पे अब हम फटाफट से चावल के लिए पानी गर्म कर लेना है और पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा करके रखना है, 3 से 4 हरी मिर्च डाल देनी है कट करके, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है और बस हमें यहाँ चावल उबलने रख देना है। पूरे 90% तक चावल हमें कुक कर लेना है और उसके बाद चावल हमें चावल का पानी निकाल देना है, थोड़े से चावल नीचे तली में डालना है यानी 1/2 हिस्सा। और उसके बाद चिकन जो हमने यहाँ पे कुक करके रखा हुआ है वो सारा डाल देना है, ऑयल ऊपर से जो बचे हुए चावल हैं वो डाल देना है। उसके बाद अब अपना फेवरेट कलर कोई भी यहाँ पर ले सकते हैं, मैंने यहाँ ऑरेंज एंड रेड कलर लिया है, ऊपर से ये थोड़ा येल्लो दिख रहा है बट ऑरेंज कलर है। और उसके बाद यहाँ पर ना थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर, थोड़े से गर्म मसाला पाउडर और क्योरा वाटर ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा बस। उसके बाद 1 टमाटर को हमने कट करके रखा हुआ था, इस तरह से स्लाइसेस ऊपर से लगा देने हैं, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और उसके बाद इसको हम दम पर रख देंगे। गाइज़ एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं या हमारे चैनल पर आप पहले से वीडियोज़ देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई ये फटाफट से चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, दम हो गई है और ये देखो एक एक चावल अलग अलग, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है यकीन मानो। और बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में ये बनकर बिरयानी तैयार हुई है, एक बार बनाइए और सबकी भर भर के तारीफ पाइए। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।